वेलकम बैक टू मुंबई। हाँ टाइम हो रहा है 6:15 तो कितना बज रहा है 6:15। हाँ फिर कितना लाए हो कितना लाए और कुछ भी है क्या अटैची था तो अटैची रख तो लिए आपका अंदर तो अटैची तो था और क्या था खूब मजा लियो पेट अंदर चला गया मेरे बच्चे का अरे पेट तो बाहर करके गई थी अंदर कैसे चला गया सही से इसीलिए तो हम और भाग के आते हैं कि तो रहते इतना तो है क्या इतना तो है बाहर नहीं अंदर टमी अंदर चला गया अरे वो खराब हो गया था ऐसा क्या खराब हो गया था अरे खराब मतलब ऐसा ऐसा हो गया था तुमको इतना अच्छे से तय करके वहां रखे हैं अरे लेकिन सोफा पे बिछा था तो तुमने ऐसे तय क्यों कर दिया भाई क्योंकि हमसे सही से बिछा नहीं ना वापस यानी तो सोफा पे सोता था नहीं तो चलो हम सोने जा रहे हैं गुड नाइट क्यों निकाला उसको पहले बता के दो अरे कल ही तो वो एकदम खराब हो गया था तुम साफ उसको झाड़े और फिर हम इधर रख दिए तय करके अच्छे से एक ही दिन का तो है कल तो आ ही रही थी आज तुम इसलिए तुझे पता था कि मम्मी कल आ रही इसलिए तूने थोड़ा ये थोड़ा वो कर दिया होगा ना तेरा तो ये पुराना आदत है इसीलिए हम बिना बताए आ जाते हैं पकड़ लेते हैं तुमको क्या पकड़ लेते हैं इतना साफ सफाई तो है पूरा घर साफ है मेरा बैग सही है ना हाँ नहीं तेरे बैग में वो है भाई सुबह चेक करेंगे एकदम अच्छे से हिफाजत से रखा रहा था सुबह चेक करेंगे अच्छे से हाँ अच्छे से चलो पहले मिठाई सब रख दे कितना लाई हो ज्यादा है ये देखिए फिरनी है रसगुल्ला है सौंदेश है मीठा दही है वहाँ पर बिरयानी भी गुड्डी आंटी दे रही थी वो सुनता में भी तो बोल रहे थे तुमको बोले थे क्या बिरयानी लाने को हाँ। हमको कल पा बोल रहे थे सुनता में बोली है लेकिन हम कैसे इतना सामान लाते बताओ जरा वो तो पैक होता है हाँ, तो खोल के रख दे फ्रिज में ये है ये खोल दो कोलकाता की फिरनी केसर फिरनी लाई हो प्लेन लाती यार ये भी अच्छा खा के देखो खोलो तो अरे कैसा पैक किया इतना बहुत अच्छे थे तो पिंकी बोली भैया बॉम्बे जाएगा और क्या सौंदेश है और दही है वही है बस ये लाइयो मिठाई वहाँ से और क्या लेके आओ तो वहाँ और क्या मिलता है ये जो मेन चीजें वही चाहिए ना बिरयानी क्या ही लाती वही तो नहीं सामान ज्यादा भी ले सामान ज्यादा हो गया है थोड़ा नाइटी वाइटी लिए थे उसमें 3 किलो साढ़े कितना 3.5 किलो बढ़ गया था नापा तो 18.5 किलो तो कह रहा मैम कुछ करेंगे हम कहे हाँ भैया करेंगे ना 2 मिनट मुझे दीजिए फिर ताला खोली कपड़ा निकाली एक बैग एक्स्ट्रा ले गई थी उस दिन वो बैग अच्छा से ऊपर ही उसमें था फिर निकाली उसमें रखी फिर वजन की तो कुछ तो थोड़ा बहुत बोला चलेगा हमको ठीक है और ऊपर से ये हाथ में ले ली थी और बिरयानी क्या हो तो जोमेटो से ऑर्डर हो जाता है कहाँ से कलकत्ता से तो बताओ समझ लो यहाँ ऑर्डर करे आज ऑर्डर करेंगे कलकत्ता से कल भेज देंगे वो लोग फ्लाइट से सामान ज्यादा वही चीज है ना 3-4 दिन तुम बिरयानी लाती तब और तुम पता चला तो कितना 4 किलो का नहीं करते करते 1100 के साथ 4500 रुपया लगता एक्स्ट्रा लगेज जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला खाने वाले को मजा आएगा और उठा के भागे और अलग कितना पैसा कर दिया लेट ही उठूंगा मम्मी बहुत लेट आया यार एक्चुअली मम्मी का पहले फ्लाइट था 11:25 का वो डिले हो गया तो 11:25 का फ्लाइट था तो इधर 2:30 बजे तक आ जाते
मगर फिर फ्लाइट डिले हो गया 2 बजे का, 2.5 घंटे से फ्लाइट डिले हो गया, इसलिए सुबह के 6 बजे तो मम्मी आए हैं, आपने देखा ही। तो चलिए मम्मी से बात करते, पूछते हैं मम्मी को कितना मजा आया कि मैं, मेरे को तो किस्से सुनने मिल गए हैं, मैं तो रात भी सुना भी हूँ, मैं बैठ के बात ही कर रहा था, मेरे को पता है आप लोगों के लिए। चलिए पूछते हैं। उसके पहले बैग का निरीक्षण किया जाए। चेक कर रहे हैं बैग सही है ना, इसमें ताला क्यों बांध दिए हो? लॉक खराब कर दी? अरे लॉक ही नहीं किया था पापा। तो क्यों नहीं की? ये तो रहा लॉक। अरे बताया नहीं क्या? पूछी नहीं, ये तो रहा लॉक। ये देखिए ये लॉक है, मम्मी ताला बंद करके घूम रही है। वाह चलो बैग तो सही लग रहा है, अच्छी शादी रही। कैसा रहा शादी? बहुत अच्छा रहा मम्मी, बहुत मजे करके, बहुत मजे करके। 3 घंटे हो गए सुबह, 1.5 घंटे और अभी 1.5 घंटे किससे सुनाई मम्मी ने। सोचो कितने साल बाद मिले ना, तुम तो बहुत साल बाद कोलकाता गई। बहुत साल नहीं, अभी तो गई थी तुम पिछले 2-4 महीने पहले। अरे भाई वो गंगा सागर गई थी ना, तो वो तो रुकी नहीं, बाहर से बाहर चली गई थी, रुके कहाँ थे? ट्रेन से उतरे, बस में बैठे, बस से होटल गए, होटल से गंगा सागर निकल लिए। लेट हो गया तुम लोगों का, कोलकाता का प्लान हट गया। हाँ हट गया था। इस बार तो किए हैं कालीघाट। कितने साल हो गया तुम? 15-20 साल? 20 साल हो गया। 20 साल बाद कोलकाता गए तब क्या? अपने को भी हो गया 16-18 साल का, उनको तो बोलते रहे थे चल भाई अभी चलेंगे एक बार, ठंडी में जाएंगे, गर्मी में नहीं भाई। गर्मी में तो कहीं वेदर बहुत, अभी भी नहीं था ठंडी, बहुत गर्मी है। और पूजा का छुट्टी वो कर रहे ना अभी तो छुट्टी। अरे बहुत भीड़, जगह जगह पंडाल बन रहा, बहुत भीड़, बहुत हद से ज्यादा। तू आ गया रहता तो रुक गए रहते, देख लिए रहते अपन लोग। अभी नेक्स्ट ईयर हम चले जाएंगे। हाँ नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ठंडी दिसंबर जनवरी में जाने का। चलो खोल लो बैग वैग, कुछ लाए वाए तो दियो। तुम्हारे लिए वही रसगुल्ला लाए, फिरनी खाओ, रसगुल्ला खाओ और वो खाओ, सोनदेश खाओ। सही है, कलकत्ता तो। और क्या लेके आए तुम्हारे लिए? प्रिंसी के लिए क्या है? प्रिंसी के लिए भी कुछ नहीं है, उसके पे पहले तुम्हारा रहता है, उसका क्या है? करने लगी, उसका पहले तुमको पूछना है, कुछ नहीं है। देख देंगे उसका। अरे उसका भी कुछ नहीं है। ठीक है बाय। कम से कम 5 दे दिए। भाई बहुत अच्छा हो। हम और खाओगे? नहीं ये वाला मत लो। थैंक यू। क्या बोल रहे हो? बिग बॉस ऑफिशियली छपरी सीजन। छपरी सीजन सब टिकटॉकर। छोड़ अपन खाएंगे, अभी बहुत बड़े बड़े हैं, छोटा पीस नहीं है। अरे हम लोग रस्ते में देख लिए, बहुत टाइम से मन कर रहा था, दिख गया। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई? आगरे का पेठा हम लोग कहते, मुरब्बा बोलते हैं भाई। बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। ठीक है। मथुरा मथुरा साइड फेमस है ना बहुत, आगरा, आगरे का पेठा। तो गाइस यार अभी हो गया शाम, 7 बजने वाले हैं और अभी जस्ट नहा के बैठा हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, 3-4 दिन से मुंबई में जो गर्मी अचानक आई है, क्या पता क्यों आई है। ठंडी आनी चाहिए हमारे यहाँ पे, अब बारिश के बाद गर्मी आ जाती है, फिर गर्मी के बाद और गर्मी के बाद थोड़ी बारिश, फिर ज़्यादा बारिश और फिर गर्मी, ठंडी नहीं आती है। हाँ मम्मी रेस्ट कर रहे हैं। क्या हो गया? अरे नहीं, थक गए मम्मी सफाई की, क्योंकि मैंने घर इतना साफ रखा था, मगर फिर भी मम्मी ने साफ तो था, साफ था एकदम घर इस टाइम पूरा। फिर भी एक औरत के साफ करने में एक बच्चे के साफ करने में अंतर होता है। इसके तो चलिए, इसके लिए थोड़ा तो चलिए अब देखो मम्मी कोलकाता से कुछ लाए तो नहीं मेरे लिए, तो जो मिठाई लाए वही टेस्ट कर लेते, क्या कर सकते। लाए नहीं, कुछ भी पूछती तो मुझे पता है तू बोलता नहीं मम्मी ये मत लाओ, नहीं मम्मी वो मत लाओ, तो सोनदेश लाई हूँ, मीठा दही है, रसगुल्ला है, जो अच्छी चीजें वो लाई हूँ वो खाओ। वही ऑप्शन ही है। हाँ तो चलिए थोड़ा मिठाई खा रहे थे, फिर मैं कुछ लाया हूँ आप सबको दिखाता हूँ। क्या लाया भाई? इनको दिखाएंगे, तुमको क्यों दिखाए? तुमको भी दिखा, मूड नहीं है, थप्पड़ बजेगा बहुत।
इतना तेज से थप्पड़ लगेगा कि इधर बजेगा उधर झंझनाएगा। क्या लाया पता नहीं, बता मत बता, हम भी कुछ लाए, हम भी नहीं बता। तो गाइस ये रहा सारा मिठाई फॉर विच कोलकाता इज सो फेमस। फिर नहीं, मेरी मम्मी केसर फिर मिला यार, और मेरे को प्लेन फिर भी बहुत पसंद है कोलकाता की। मतलब मैं छोटा था तब कोलकाता की खाया था, मैं एक दो साल रहा हूँ कोलकाता में, तो मेरा फेवरेट था ये बहुत छोटा था तब, और मेरे को वो टेस्ट अभी भी याद है। यहाँ पे मुंबई में बस एक जगह मिलता है मोहम्मद अली रोड पे सेम टेस्ट का, मगर मैं केसर फिरनी कभी खाया नहीं हूँ। सो लेट्स ट्राई, आज केसर फिरनी ट्राई कर लूंगा। संदेश संदेश, मिष्टी दही, मीठी दही एंड रसगुल्ला। क्या खाऊं पहले, रसगुल्ला से स्टार्ट करता हूँ। भाई मम्मी क्या रसगुल्ला यार, तो वही तो बोली, कितने साल बाद खा रहे होंगे रसगुल्ला। कलकत्ता का तो छोड़ो, रसगुल्ला ही कितने साल बाद हम खा रहे रहेंगे। मेल्ट हो गया हूँ मैं। तो वहाँ का रसगुल्ला तुम खाए कि नहीं, तुम तो 10 दिन चेपी ही चेपी हो। भाई क्या रसगुल्ला है, वाह। मैं दही तो खाता नहीं, मिष्टी दही नहीं खाऊंगा। थोड़ा पहले ये वाला संदेश टेस्ट करता हूँ। यार ठीक है, मैंने इतना खास नहीं है, काफी मैं रसगुल्ला के बाद खा रहा हूँ इसलिए मुझे फर्क नहीं पता चल रहा है। पानी पी लेता हूँ पहले। ये तो मुंह में डालोगे तो पता ही नहीं चलता है कि मीठा है। वो क्लासिक संदेश है जैसा आता है, इसमें तो कुछ मिला हुआ है ना? नहीं ये वो वाला है, मैं इसमें केसर और वही तो मैंगो फ्लेवर आएगा। ये वो एकदम प्लेन वाला है, वो सही है। ये गुड्डी आंटी बोली कि अभिषेक के लिए, कौन सा ये वाला? ये गुड्डी आंटी दी है पोपो के लिए। गुड्डी आंटी तो भैया 10 दिन मेरा इतना खाते, बच्चे इतना खाते, प्रिया चिंकी सब, मतलब चलो तुम एंजॉय करके आ गए ना। हां हां बहुत ज्यादा, बहुत यो खाबो। क्या मम्मी का कोलकाता आता है, बंगाली आता है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा बंगाली आता है। अभी हमको प्लेन ही पसंद है, केसर फिरनी मेरे को प्लेन फिरनी बहुत सही लगता है, केसर फिरनी मेरे को नहीं जमता है। मुझे केसर भी नहीं, मैंगो फिरनी लग रहा है मेरे को। मजा नहीं आया यार एंड जब सब टेस्ट कर ही चुका हूँ मैं, तो थोड़ा मिश्री दही भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। वैसे मैं दही खाता नहीं हूँ फिर भी। नहीं नहीं होगा, दही नहीं होगा यार, दही से पता नहीं क्या, दही नहीं। से नहीं नहीं दही से नहीं, दही नहीं जाएगा अपने से, सॉरी। तो गाइस हो गया बंगाली स्वीट टेस्ट करके, एंड ये तो है यार बंगाल का स्वीट क्या टेस्ट होता है, इसीलिए होता है ना वो बंगाली इज आर द स्वीटेस्ट, दिस इज द रीजन। इतने प्यारे मिठाई, और मैं ऐसे बोला मैं आपको भी कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यार फैन चालू कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, मुझे बहुत गर्मी नहीं हैंडल हो रहा है आज। ये देखो ना, तो सेकेंड 10 सेकेंड में ऐसी हालत हो जा रही है। एंड जैसा मैंने थोड़े टाइम पहले आप सभी को बोला कि कुछ दिखाता हूँ, तो ये दिखा रहा हूँ, मैंने एक और स्नीकर खरीद लिया। तो यार बहुत इम्पल्सिव था एक्चुअल में, अभी कितना है 5-6 दिन पहले अंकित एक निकल ले रहा था न्यू बैलेंस के, तो उसने मेरे को उसका भेजा लिंक कि भाई सोच रहा हूँ ये ले लूँ, तो मैंने खोला, मैं कहा सही है ये वो, तो फिर मैं बैक किया तो मेरे को एक दो और दिखने लगे, तो मैं ऐसे ही देख रहा था और फिर मेरे को ये वाला स्नीकर दिख गया बहुत इम्पल्सिवली, आई गेस हार्डली 20 सेकेंड में। मैं देखा, मैं कहा यार बहुत सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मटेरियल अच्छा है, स्वेट का है, एंड बस एक पीस बाकी था और आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था और मेरा ही साइज था, तो मैंने आई गेस 20 सेकेंड्स में मैंने बाय कर लिया, आ गया। फिर उसके बाद मैं सोचा यार बहुत जल्दी नहीं कर लिया, मैं कहा ठीक है चलो बहुत अच्छे स्नीकर लग रहे। ये रहे अपने पूमा के न्यू स्लिपस्ट्रीम हेरिटेज, ये देखिए गाइस, तो ये है मेरे नए स्नीकर्स, और पहली बात तो ऑब्वियसली मेरे को एक ऐसे स्नीकर्स चाहिए थे, मैं AJ ये सोच रहा था एयरफोर्स लेने का, पर मैं कहा चलो ये ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, कलर स्कीम कलर कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सोबर लग रहा है,
एंड ये है स्वेड, मतलब पूरा स्निकर, ये लेदर है ये पार्ट, ये स्वेड है और ये भी स्वेड मटेरियल है, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया इम्पल्सिवली एंड अच्छे लग रहे हैं, तो ऐसा वेस्ट नहीं हुआ, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ बस हल्के से टाइट हो रहे हैं, 11 नंबर ही है मगर हल्के से टाइट हो रहे हैं, मगर ठीक है चलेगा, आई मैनेज। और ये है, ये देखिए स्लिप स्ट्रीम, इनका नया पूमा का नया सीरीज स्टार्ट हुआ है तो उसमें बहुत सेक्सी स्नीकर्स है यार, मतलब बताओ कैसे लग रहे हैं आप सभी को। देखिए और सोल भी इसके अच्छे हैं, ये देखो भाई चादर से ढक के रखा था, कब मंगाया? 3 दिन पहले आया है, 4-5 दिन पहले ऑर्डर किए। यार तुझे कोई कलकत्ता से कहीं से कुछ लाएगा तो पहले मैंने कह दिया तो बताओ। अच्छा लग रहा था इसलिए मंगा लिए, मेरे को भी पहन रहा। ये देखिए भाई, तो मेरे सॉक्स कैसे लग रहे हैं, फेवरेट अभी चल रहा है, इस पर नहीं जा रहे मगर ऐसे सॉक्स अच्छे हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। हल्का सा बस टाइट है कुशनिंग की वजह से, लेंथ सही है बस कुशनिंग की वजह से टाइट है, मगर मस्त लग रहा है चलने में प्रॉब्लम, तो भाई पहना भी करना खाली घुमा। चलो अभी मैं जा रहा हूँ BGMI खेलने, जो कि थोड़ा लेट तक चलेगा, तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि उसके बाद नीचे चला जाऊंगा तो कुछ ऐसा शूट करने के लिए रहेगा नहीं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।